लेसन टू में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हमने रीड किया था। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है बेटा। अब इस चैप्टर से रिलेटेड हमारा वन वर्ड आंसर है, जो कि अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। दैट मीन्स निम्नलिखित के लिए एक शब्द लिखो। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको से पूछा गया है, उसका आपको वन वर्ड में आंसर आप सभी को देना है। नंबर वन इज ह्यूमन बीइंग्स ब्रीथ थ्रू दिस। इंसान इसके द्वारा सांस लेते हैं। जैसे कि आपको चैप्टर में बताया गया था कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वे लंग्स और नोज दो चीज़ों से, दो ऑर्गन से सांस लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा बेटा, आंसर इज लंग्स, फेफड़े। नंबर टू, टाइनी पोर्स फाउंड इन लीव्स ऑफ प्लांट्स। टाइनी पोर्स मीन्स छोटे छेद जो कि पाए जाते हैं पौधों की पत्तियों में। इन छोटे छेदों को क्या कहते हैं? नाउ द आंसर इज स्टोमेटा। स्टोमेटा मीन्स छोटे छेद, जिन्हें हम रंध्र भी कहते हैं। सेंटेंसेस, इट डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर फूड। यह निर्भर रहता है पौधों पर अपने भोजन के लिए। द आंसर इज ह्यूमंस एंड एनिमल्स। इंसान और जानवर, ये दोनों ही अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। नंबर फोर्थ, द लीव्स ऑफ दिस प्लांट क्लोजेस व्हेन टच्ड। इस पौधे की पत्तियाँ बंद हो जाती हैं जब हम इसे छूते हैं। आंसर इज टच मी नॉट, छुई मुई का पौधा। नंबर फाइव, एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ हॉर्स। एक घोड़े का औसत जीवन काल कितना होता है? द आंसर इज 25 to 30 years। 25 से 30 साल तक एक घोड़ा अपने जीवन काल को पूरा कर। यस बेटा, लेसन नंबर टू, क्वेश्चन आंसर। लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ साइकिल जस्टिफाई। जीवित वस्तुओं का अपना एक जीवन चक्र होता है। इस बात को आप जस्टिफाई कीजिए, तर्कसंगत बताइए। आंसर इज ऑल लिविंग थिंग्स टेक बर्थ। सभी जीवित वस्तुएं जन्म लेती हैं, ग्रो एंड डाई, बढ़ती हैं और मर जाती हैं। हैंस दे हैव अ लाइफ साइकिल, इसलिए उनका एक जीवन चक्र होता है। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डू प्लांट्स ब्रीथ। पौधे कैसे सांस लेते हैं? द आंसर इज प्लांट्स ब्रीथ बाय स्टोमेटा। पौधे स्टोमेटा के द्वारा सांस लेते हैं। स्टोमेटा मीन्स छोटे छेद जो पौधे की पत्तियों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज हाउ डू बर्ड डियर एंड फिश मूव। कैसे एक पक्षी, हिरन और मछली मूव करती हैं? आंसर इज बर्ड्स फ्लाई, डियर रन एंड फिश स्विम्स। पक्षी उड़ते हैं, हिरन दौड़ते हैं और मछली तैरती हैं। इस प्रकार ये अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज रिप्रोडक्शन। पुनर्उत्पादन क्या होता है? पुनर्उत्पादन का अर्थ होता है किसी वस्तु का बार बार उत्पादन होना। आंसर इज Giving birth to young ones is called reproduction. किसी चीज़ को जन्म देना, यह reproduction, पुनरुत्पादन कहलाता है। Fifth question is what is a lifespan? जीवन काल क्या होता है?
द आंसर इज लाइफ स्पैन इज द एवरेज लाइफ पीरियड ऑफ लिविंग बीइंग। जीवन काल एक औसत लाइफ पीरियड होता है जो किसी भी जीवित वस्तु का होता है।